जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, एक बात तो है कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप हारने के बाद जो एक माहौल खराब हुआ था ना, वो माहौल इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। जो एक अंदर भीतर घात लग रहा था कि यार हम लोग इतना अच्छा खेल रहे थे, आखिर क्या हो गया, वो वाकई में पूरा नहीं हुआ था। अब आप ये सोचिए कि टीवी पर देखकर हम लोग जब वो मैच देख रहे थे तो हमें इतना फील हुआ है, तो जो हमारी टीम का कप्तान इतना अच्छा खेल रहा था वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, तो उसके साथ क्या हुआ होगा। वर्ल्ड कप खत्म हुआ, रोहित शर्मा छुट्टी मनाने के लिए चले गए, ना कोई बयान सामने आया, ना कोई इंटरव्यू सामने आया, कुछ भी नहीं, तस्वीरें तक आना मुश्किल हो गई। और अब फाइनली उनका बयान निकलकर सामने आया है, करीब 20 दिन से भी ज्यादा समय हो गया है तब उनका इसके ऊपर बयान निकलकर सामने आया है, और उन्होंने बताया है कि आखिर क्या उनकी मनोदशा थी। देखिए, रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप में मिली हार पर पहली बार खुलकर बोला है। वनडे वर्ल्ड कप में हार के बाद रोहित शर्मा को पता ही नहीं था कि उस हार की निराशा से वो कभी उभर पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि फैंस के प्यार ने उनको एक बार फिर से टॉप पर पहुंचाने की बहुत बड़ी कोशिश करी है और बहुत ज्यादा मोटिवेट भी किया है। रोहित ने यह तो नहीं बताया कि वो किस टॉप की बात कर रहे हैं, लेकिन समझा जा सकता है कि वो अगले साल अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी के बारे में सोच रहे हैं। फाइनल तक रोहित के लिए बतौर बल्लेबाज और कप्तान वर्ल्ड कप का सफर बहुत शानदार रहा, लेकिन 19 नवंबर को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। फाइनल की हार के बाद रोहित मैदान से निकलने तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो इस दर्द को भुलाने के लिए ब्रेक पर इंग्लैंड भी गए थे। रोहित ने इंस्टाग्राम पर अपने फैन पेज पर लिखा कि पहले कुछ दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इससे कैसे उभरूंगा, मेरे परिवार और मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। हार को पचाना कहीं से कहीं तक भी आसान नहीं था, लेकिन जिंदगी चलती रहती है और आगे बढ़ना इन सब चीजों के बाद में उतना आसान होता नहीं, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती। उन्होंने टीम के शानदार प्रदर्शन को समझाने और सराहने वाले फैंस की भी काफी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर था तब कई लोग वहां पर मुझे मिले, वो मेरे पास आकर कहते थे कि उन्हें टीम पर गर्व है, और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनके साथ मैं भी दर्द से उभरता गया, क्योंकि जो लोग घर पे बैठकर देख रहे थे, मैदान पर आ रहे थे, वो भी तो लगातार हमारे साथ ही इस जर्नी को जी रहे थे। मैंने सोचा कि आप यही तो शायद सुनना चाहते हैं कि हाँ, हम लोग अब सब ठीक हैं। उन्होंने कहा कि लोग जब समझते हैं कि खिलाड़ियों पर क्या बीत रही होगी और वे अपनी हताशा या गुस्सा आप पर नहीं निकालते, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। मेरे लिए तो इसके बहुत ज्यादा मायने हैं, क्योंकि लोगों में गुस्सा नहीं था, जब भी मिले उन्होंने प्यार ही बरसाया। उन्होंने कहा कि इससे मेरे लिए कमबैक करना और नए सिरे से एक बार फिर से शुरू करने की मुझको काफी मोटिवेशन मिलता है, और एक बार फिर से टॉप पर पहुंचने की मैं कोशिश करूंगा। रोहित ने कहा कि पूरे वर्ल्ड कप के दौरान हमें दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिला था। हम जहां गए, मैदान के अंदर, मैदान के बाहर, हर जगह, जो लोग मैदान में मैच देख रहे थे, जो घरों से मैच देख रहे थे, सभी ने हम लोगों का बेइंतहा सपोर्ट किया। मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन जितना ज्यादा वर्ल्ड कप के बारे में हम सोचते हैं, उतना ही ज्यादा एक बार फिर से दुख हमारे अंदर आ जाता है कि यार हम उसे जीत नहीं सके। उन्होंने कहा कि 50 ओवरों का वर्ल्ड कप देखते हुए बड़ा हुआ हूं, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। हमने इसके लिए कितनी मेहनत करी है और नहीं जीत पाने की निराशा तो देखिए होनी है, कई बार हताशा भी होती है, क्योंकि जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, जिसका सपना देख रहे थे, वो नहीं मिला। दरअसल अगर हम बात करें तो 2019 के वर्ल्ड कप में भी रोहित का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। एक ही वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी मारी थी, पर उसके बावजूद भी हम सेमीफाइनल में हार गए थे। इस बार तो रोहित और भी अलग फॉर्म में दिखाई दी। सेंचुरी हालांकि एक ही मारी, लेकिन जिस तरह का वो खेल दिखा रहे थे, उस खेल के आगे हर कोई बौना ही दिख रहा था। तो ऐसे में नहीं जीत पाना वर्ल्ड कप जैसे बड़े टाइटल को ऑब्वियस सी बात है एक बहुत बड़ा दर्द देता है। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा का इस कुकून से बाहर निकल कर आना बहुत ज्यादा जरूरी था। एक टीम को जिस लीडर की जरूरत होती है, उसका मोटिवेटेड होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले T20 वर्ल्ड कप में जो बातें उठ रही हैं कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली को इग्नोर किया जाए, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को आप इतनी आसानी से अभी इस पॉइंट पर इग्नोर कर सकते हैं, ना ही विराट कोहली को। हम देख रहे हैं नए लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट स्टिल एक बैलेंस जरूरी होता है, और उस बैलेंस के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।